एक्सटर्नल डिवीजन की पिछली वीडियो में हमने देखा था डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज और इंटीग्रल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम एक्सटर्नल डिवीजन कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से एक्सटर्नल डिवीजन हमारा कैसे निकाला जाएगा। यदि एक्स बार हमारा पॉइंट्स में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मेथड से करना आसान रहता है, लेकिन यदि हमारा एक्स बार पॉइंट्स में आ जाता है तो एक्स में से एक्स बार लेस करके हम डी निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। तो इस स्थिति में ईजी रहेगा कि हम बजाय डायरेक्ट के इसको हम शॉर्टकट से सॉल्व करें। तो शॉर्टकट में फॉर्मूले कौन कौन से होंगे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पहला फॉर्मूला, इसमें ऑप्शंस हैं हमारे, तीन चार तरह से हम फॉर्मूले बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का, तो शॉर्टकट मेथड में पहला फॉर्मूला यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डी एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस अज्यूम मीन, जैसे हमने एक्स बार में शॉर्टकट से किया था वैसे यहाँ पर ए हो जाएगा अज्यूम्ड मीन। इसकी जगह हम ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जो हमारा शॉर्टकट का है ऑप्शन में, वो है स्टैंडर्डेशन इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यदि हमने एक्स बार को सॉल्व किया है तो हम फर्स्ट की जगह पे सेकंड फार्मूला भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा डी एक्स का मतलब वही हो जाएगा एक्स माइनस अज्यूम मीन, और एक्स बार और ए का जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे तो भी हमारा स्टैंडर्डेशन निकल जाएगा। यदि हम फर्स्ट फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये तीसरा फार्मूला बन सकता है। यदि ईजी लगे तो आप तीसरे फार्मूले को भी काम में ले सकते हैं। इन फार्मूले से कोई सा भी एक फार्मूला जो आपको ईजी लगे उसको काम में लेके हमें सॉल्व करना है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने पर हमारा फॉर्मूला इसकी जगह ये भी बन जाता है, तो आप इसको भी काम में ले सकते हैं। जो चौथा हमारा शॉर्टकट का फॉर्मूला है वो हम तभी काम में लेंगे जब हमने अज्यूम मीन ज़ीरो लिया हो, यानी इन तीनों फार्मूलों को तो हम तब काम में लेंगे जब हमने कोई एक वैल्यू अज्यूम मीन ली है और उसको सिंपल करने के लिए हम एक्स में से लेस किया, यानी हमने डी एक्स निकाला है, तब तो हमारे पास वन ऑप्शन टू और थ्री में से कोई सा भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन यदि हमने अज्यूम मीन लिया ही नहीं है, हमने डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर कर दिया है, तो फिर हम चौथा वाला फार्मूला काम में लेंगे शॉर्टकट के लिए, या फिर हमें कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी हो। यदि हमें कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी हो तो भी यही फार्मूला काम में लेंगे, और यदि हमें कोई करेक्शन करना हो, यदि कोई मिस्टेक को करेक्शन करना हो, इन तीनों स्थितियों में अज्यूम मीन ज़ीरो लिया हो, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या करेक्शन करना हो, तो तीनों ही स्थितियों में हमारा फार्मूला जो काम में लेंगे वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हमें एस का स्क्वायर कर देना है अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये हमारे चार फॉर्मूले हैं शॉर्टकट के जिसको हम काम में ले सकते हैं। अब देखिए हम करेंगे कैसे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था, पहले मैं यहाँ पे एक्स लिख लेती हूँ। यहाँ पे एक्स है हमारा 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78 एंड 59। अब यदि हमको इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व करना है तो हमें डायरेक्ट की तरह पहले एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक वैल्यू सोचनी है जो हमारे क्वेश्चन को आसान कर दे। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन ले लिया, सपोज़ करो 50। आप चाहें तो इसके अलावा कोई और वैल्यू भी अज्यूम मीन ले सकते हैं, बस पर्पज़ हमारा ये है कि अज्यूम मीन ऐसा हो जो क्वेश्चन को आसान कर दे। मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन 50 लिया है, तो एक्स में से अज्यूम मीन घटा दूँगी तो ये निकल जाएगा मेरा डी एक्स। तो ये मेरा आ जाएगा माइनस 7 माइनस 2 प्लस 15 प्लस 7 माइनस 19 प्लस 10 माइनस 13 माइनस 2 28 एंड 9। इसका टोटल निकल जाएगा हमारा सिग्मा डी एक्स। अब हमें यहाँ पे माइनस के चिन्हों को अलग ध्यान रखना है, प्लस को अलग ध्यान रखना है, तो फिर हम जोड़ देंगे तो सिग्मा डी एक्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा 26। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स 49, 4, 225, 49,
364 and 81. इनका टोटल हमारा क्या लगेगा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स यहाँ पर हमारा आ रहा है 1826. नंबर ऑफ आइटम्स हैं यहाँ पर हमारे 10. फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे अपन. दी हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं जो सबसे इजी जनरली यही रहता है, बाकी आपकी चॉइस है. सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. तो ये आपका निकल जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा 1826, एन है हमारा 10, सिग्मा डी एक्स है हमारा 26 अपॉन 10 का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारा 182.6 माइनस 2.6 का होल स्क्वायर. और सॉल्व कर देंगे आगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 182.6 माइनस 2.6 का होल स्क्वायर आ जाएगा 6.76. इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 175.84 और 13.26. तो जिस स्टैंडर्डेशन का आंसर है हमारा वो आ जाएगा 13.26. अब इसी क्वेश्चन में यदि हमें कोएफिशिएंट भी निकालना हो तो कोएफिशिएंट के लिए हमें एक्स बार चाहिए. फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा स्टैंडर्डेशन डिवाइडेड बाय एक्स बार. तो इसको हमको एक्स बार निकालना पड़ेगा. तो यदि हमने स्टैंडर्डेशन शॉर्टकट से निकाला है तो हम एक्स बार को भी शॉर्टकट से निकाल लेंगे. तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन. तो यहाँ पर ए है हमारा 50, सिग्मा डी एक्स हमारा आ रहा है यहाँ पर 26, ये है हमारा 10. तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2.6 यानी 52.6 आ जाएगा हमारा एक्स बार. ये तो पहले फार्मूले से सॉल्व कर लिया. यदि आपको सेकंड फार्मूले से सॉल्व करना हो तो सेकंड फार्मूले में हमारा फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर. तो एक्स बार हमने निकाल लिया यहाँ पर. तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हमारा आ रहा था 1826, एन था हमारा 10. अब एक्स बार हमने अभी निकाला है 52.6 से और अज्यूमिन मैंने लिया है इसका स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करने पर भी हमारा सेम वही आ जाएगा 182.6 माइनस 2.6 का होल स्क्वायर. तो ये भी हमारा आंसर सेम वही आ जाएगा 13.26. तो सेकेंड फार्मूले से यदि सॉल्व करना हो तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. यदि आपको थर्ड फार्मूला काम में लेना है जो था हमारा 1 अपॉन n अंडर रूट n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर x माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर 1 अपॉन 10 अंडर रूट 10 इंटू 1826 माइनस 26 का होल स्क्वायर. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी हमारा सेम आंसर आ जाएगा 110 18260 माइनस 676 और 1/10 अंडर रूट 17584. तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 10 इंटू 1326. तो आंसर इज 13.26. तो ये तीन तरीके हैं हमारे सॉल्व करने के. थर्ड फार्मूले से ऐसे करेंगे, हमें सेकंड फार्मूले से करना है तो इस तरह से सॉल्व करना है. और सबसे इजी जो रहता है अपना वो अपना फर्स्ट फार्मूला है. यानी इस वाले फार्मूले से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए, कि इसमें आपको एक्स बार निकालने की ज़रूरत भी नहीं है.